मैं और मम्मा जा रहे हैं मार्केट। प्यारा सा पपी, हेलो बेबी, बोल रहे हैं तो ये 4 ले लिए क्योंकि हम वैसे 5 मेंबर्स हैं। किसके गोरे गोरे हाथ हैं तो डार्क कलर तो अच्छा ही लगता है। अस्सलामुअलैकुम हमारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये रहे हैं हमारे हुसैन, जिनकी हो गई थी कल सर्कमसेशन की सेरेमनी। थोड़ी देर से तो ये रो रहे थे मगर अब अल्लाह के शुक्र से ठीक हैं। इनकी गर्दन टेढ़ी हो रही है तो हमने इनके पैरों को जब से बांध रखा था इधर, और अब हमने इनके पैरों को खोल दिया है और इधर से इन्होंने पैंट वगैरह कुछ पहनने रखी, तो इन्हें ले लिया है इनकी मम्मा ने गोद में। और देखिए अब कैसे खुश हो रहे हैं, रो भी नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें पैंट वगैरह कुछ पहनाने रखी है उसकी वजह से, ताकि परेशानी ना हो। हुसैन इधर देखो। तो जी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, अपने दे दिए हैं अपने बैंगल्स के लिए पैसे, और ये उनका साइज़ है क्योंकि उनके बैंगल्स लाने उनके पास है नहीं, तो बस जल्दी से उन्होंने साइज़ दे दिया है। और ये जो सूट हमने लिया था कल, ये करना है हमें रिटर्न क्योंकि ये अब पिकवाया नहीं, अब पी हो गई है मोटी हमारी थोड़ी, तो इसको रिटर्न करना है। तो जल्दी से चलते हैं, मैं और मम्मा जा रहे हैं मार्केट, तो देखते हैं हम वहाँ से क्या क्या लेते हैं और क्या क्या लेकर आते हैं। तो जी फिर हम लोग आ गए थे गली में और यहाँ डेकोरेशन हुई भी थी, और उसके बाद मम्मा को ये मिल गया था सूट रेड कलर का। मम्मा को रेड कलर बहुत ही पसंद है तो मम्मा जल्दी जल्दी से लेने लगी, फिर लिया नहीं बाद में। और फिर हमने ये डस्टबिन लेना था किचन के लिए जो कि उन्होंने रेट नहीं लगाए, तो वो भी नहीं लिया मम्मा ने। उसके बाद मैंने बता भी दिया था कौन सा। फिर हमने एक अप्पी का सूट लेना था, ये हमें पसंद आ गया था पहली बार में, फिर हमने वीडियो कॉल करके दिखाई तो अप्पी को ये पसंद नहीं आया, और दिखाई तो उन्हें वो भी पसंद नहीं आया। फिर दूसरा ले लिया था हमने अप्पी के लिए, और ये जो सूट लाए थे हम इसको रिटर्न करना था, और इसके बट ये पसंद आया था ये लिया हमने घर ले आए थे हम इसको। और रास्ते में मिल गए थे भैया, वो जो ले रहे थे अपने फ्रेंड के लिए कुछ कपड़े, तो मम्मा ने भी उनकी हेल्प कर दी पसंद करने में। ये बैठे उनके फ्रेंड साइड में, वो बैठ गए बेचारे, और ये दोनों करने लगे पसंद उनके कपड़े। फिर इधर ही साइड में हमने, साइड में गन्ने वालों का दुकान थी, तो हमने दोनों ने गन्ने का रस पी लिया मम्मा ने मैंने। घर जैसे आए तो वहाँ पर हमारे घर पे ये डॉगी रोज़ाना बैठ जाता है, तो ये अब भी बैठा हुआ था। फिर हम ऊपर आने लगे, इधर बाइक का स्टैंड लगा हुआ है, चलते हैं जी अंदर। गेट भी नहीं खुल रहा है, हाथ दुख गए हैं मेरे बहुत बुरे तरीके से, थक गई हूँ। और जैसे गए थे छोड़ के बच्चों को खेलता कूदता, और देखिए यहाँ पर नाटक भी चल रहा है कोई सा। तो फिर जो हम कपड़े लाए थे, सूट लाए थे, वो लब मम्मा दिखाने लगी। ये जो ग्रे कलर का है ये लाए हैं हम अप्पी के लिए, और ये जो फ्रोजी कलर का ये मम्मा के लिए। और ये पिंक वाला जो मैं फ्रॉक लाई थी जो मैंने दिखाया था, वो घर में किसी को पसंद ही नहीं आया, सब ने उसे ओल्ड फैशन पता नहीं क्या क्या उसके बारे में तकमीने बता दिए, और बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आया। मजबूर होकर हमें इसको रिटर्न करना पड़ा। और मैंने तो ये बेकार सा सूट ये लेकर आ गई हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं दिखाती हूँ, हिलाओ मत, ये 7 साल पुराना है, मेरी शप्पी बता रही है कि ये 7 साल पुराना सूट लेकर आ गई, तो इसको चेंज करेंगे, ये अच्छा नहीं लगा। तो ये वाला देखिए, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है, साइड से आस्तीन, और ये जी सूट। तो ये है इसका पजामा और दुपट्टा, तो ये पजामा है ये वाला ग्रे टाइप का, और ये दुपट्टा है इसका, ये अच्छा है। और शेफून का दुपट्टा है बहुत प्यारा सा, ये प्यारा लग रहा है। और ये ले आए हैं स्लीपर जी, 100 रुपीज़ की मिल गई थी, और ये स्लीपर पहले भी थी इनके पास, फिर वैसी ले आई दोबारा, लेकिन ये चलो सही है, काम चलाओ काम आ जाएंगी। और एक ये सूट है जिसका दुपट्टा ये है, और इसका पजामा ये वाला है, ठीक है। और ये इसका सूट है, ये वाला अच्छा लगा, ये अच्छा लगा है, इसमें डिजाइन कुछ लगा हुआ है, ठीक है, बस ऐसे ही है, ये प्यारा मुझे भी लग रहा है। तो जो ये हमने पिंक वाला आउटफिट लिया था, इसको करने जा रहे हैं चेंज, मैं और अप्पी जा रहे हैं, इस बार मम्मा नहीं जा रही हैं, और मैं ये वाली स्लीवर पहन के जा रही हूँ जो अभी लेकर आई थी। और जी ये रही मैं, ये मम्मा जी कप भी ले आई थी क्योंकि हमें इसकी नीड थी, आजकल जो कप थे वो ख़राब हो रहे हैं, तो ये 4 ले लिए क्योंकि हम वैसे 5 मेंबर्स हैं, किस हिसाब से लाई है पता नहीं। और जी ये हमारी वो हैं जो बजीज, उनके लिए आई है, इसमें हम थोड़ा सा होल करेंगे और उसके अंदर वो अंडे देंगी, आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि वो 5 अंडे दें कम नहीं चलेंगे बिल्कुल भी, मैं चाहती हूँ कि 5 बच्चे निकल जाए, क्योंकि हम 5 हैं तो एक एक सबको मिल जाएगा, हाँ हम 5 बहन हैं, चलो एक बहनों को मिल जाएगा। ये बिल्कुल नाराज़ हो गई, इनको 6 कम बता दिया हमने इसलिए,
तो चलिए फिर अब ये जा रही है फटाफट से, ये हो गई दोबारा से तैयार जाने के लिए। और ये हुसैन के और इस्माइल के कपड़े आ गए हैं, चलो दिखा देते हैं एक बार। डिंग डिंग डिंग, ये देखिए, ये देखिए, और ये वाला भी किसका है? ये वाला मामा, ये इशी का है, मतलब इस्माइल का। बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये देखिए इधर से ये पाइपिंग लगी हुई है, क्या डिज़ाइन है। और जी थर्ड वन, दिस वन लास्ट वन, ये हुसैन का है, इसके साथ कैप भी आया है, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तीनों। चलिए तो फिर इनको जाने देते हैं, हम ये जाने की जल्दबाजी में हैं। तो गाइज ये ले आए थे हम अप्पी के बैंगल्स, क्योंकि हमें ये जो चूड़ी में लेके गई थी नाप की, इसके साइज़ की कोई हमें चूड़ी नहीं मिली, तो फिर मैं और अप्पी गए थे, तो अब हम ये बैंगल्स ले आए हैं। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है अप्पी के हैंड्स में, क्योंकि गोरे गोरे हाथ हैं तो डार्क कलर तो अच्छा ही लगता है। और फिर ये भी लाए हैं एक अप्पी का ये वॉलेट, छोटा सा प्यारा सा, जिसके अंदर अप्पी ने जल्दी से फ़ोन रख लिया है अपना। और क्या लाए थे अभी हम, और ये सूट आ गया है चेंज करके, वो वाला चेंज करके, अम्मी जैसा डिट्टो कॉपी नकलची बंदर वाला ले आई हैं जल्दी से जा करके। ये सूट सेम टू सेम मम्मा जैसा है, ये तो दोनों एक ही दिन पहन लेंगी, तो देखते हैं ट्रेनिंग कैसी बनेंगी। और बस यही सामान लाए हैं। ठीक, तो जी शाम की चाय हो गई है तैयार, अप्पी आ गई थी क्योंकि बाज़ार से, और शाम की बनाने लगी थी चाय। मैंने अंदर चाय दे दी, और ये बचे हुए बिस्किट्स हैं ये भी मैं उनको दे देती हूँ ताकि वो लोग खा लें। तो जी फिर रील मम्मी बनाने लग गई थी स्माइल के लिए, यहाँ पर सैंडविच क्रीम का, नॉर्मल जो मलाई होती है उसका, और केचप का। तो ये था हमारा डेली आज का रूटीन। कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा हमारे लाजमी सब्सक्राइब अभी तक नहीं कराए तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, अल्लाह हाफिज़।